हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेंद है। मैं आपके लिए इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक में हम आज पढ़ने वाले हैं नाउन के साथ जेंडर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, और इससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मैं इनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियर कट तरीके से आपको कन्विंस करूंगा। जेंडर क्या है और जेंडर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हम पढ़ेंगे नाउन से रिलेटेड। जो पहले जेंडर की बात करते हैं, दोस्तों इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको नाउन के साथ नंबर को मैंने क्लियर किया था। जी हाँ, नंबर, और नंबर में मैंने आपको सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर से रिलेटेड बहुत सारे नियम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बताए। इनफैक्ट और भी थे, लेकिन अब चूंकि समय की कमी है तो मैं उसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताता जाऊँगा, जो ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी मैं बात करूँगी यहाँ पे। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जेंडर हमें पढ़ना है, और जेंडर में हम आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जेंडर है क्या। तो जेंडर आप जानते हैं, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, लिंग। जी हाँ, सेम लिंग कहते हैं। इनफैक्ट आप सभी जानते हैं इसको कि लिंग, आपने हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा हुआ है, और उसी तरीके से यहाँ पर जब हम इंग्लिश में लिंग की बात करेंगे तो इसमें कहा द फैक्ट विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड जेंडर। यानी कि जो मेल या फीमेल नर या मादा को व्यक्त करे उसे ही हम नाउन कहते हैं, ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सबसे पहले होगी काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग के प्रकार की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में जो जेंडर होता है ये चार प्रकार का होता है। मैस्कुलिन जेंडर, इसको पुल्लिंग कहते हैं। फेमिनिन जेंडर, ये आपका स्त्रीलिंग होता है। कॉमन जेंडर, जिसे हम उभयलिंग कहते हैं। और न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग हिंदी में कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन मैंने नहीं दिया है, डेफिनेशन आप जानते हैं कि द जेंडर दैट डिनोट्स मेल सेक्स, जो मेल सेक्स को, मेल बॉडी को डिनोट करेगा, मेल को बताएगा, वो मैस्कुलिन होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, बॉय, हॉर्स, डॉग और बहुत सारे होते हैं। फेमिनिन, जो फीमेल बॉडी को एक्सप्लेन करे, फीमेल सेक्स को डिनोट करे, वो होगा गर्ल, मेयर, बिच, ये आप देख पा रहे हैं। और कॉमन, जो मेल फीमेल दोनों को इक्वली डिनोट करे, और उससे मेल का भी बोध हो और फीमेल का भी बोध हो, टीचर, बेबी, स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें, तो ये दोनों कॉमन होते हैं, यानी कि दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को, फीमेल को भी। न्यूट्रल, जो नॉन लिविंग लाइफलेस चीज़ें होती हैं, वो होती हैं आपकी न्यूट्रल, बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, ट्री। तो ये तो आपको पहले से पता भी रहा होगा। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात कि पहले तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जेंडर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्हें याद रखना होगा। और होता क्या है कि भाई हम अगर यहाँ पे सेंटेंस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो आपके मैस्कुलिन जेंडर होते हैं इनके साथ सेंटेंस बनाते समय प्रोनाउन के रूप में हम ही को चूज़ करते हैं, अगर वो सिंगुलर नंबर का है तो। अगर सिंगुलर नंबर का है ही मैस्कुलिन के लिए, और फेमिनिन के लिए हम शी चूज करते हैं, ये आप जानते होंगे, और इसे आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के इस पूरे टॉपिक में ही और शी के इर्द गिर्द ही पूरी बात घूमेगी। और जैसे ये प्लूरल नंबर में होंगे तो प्लूरल नंबर का अगर आपका हो गया ये गर्ल्स है, बॉयज है, दोनों के लिए इक्वली दे आता है, फिर वहां पे कोई ही बात नहीं रह जाती है, वहां पे फिर कोई आपका जेंडर संबंधी कोई फैक्ट नहीं रह जाता, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इनको हम देखते हैं, और इनकी इनको जो भी इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो इनको आपको लर्न करना होगा कौन कौन से, हम उसकी चर्चा करते हैं जस्ट। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई अगर आपको पता है कि मैस्कुलिन है तो सेंटेंस में उसके लिए ही हिज हिमसेल्फ का प्रयोग होगा जैसे ज़रूरत होगी, और अगर वो फेमिनिन है, फीमेल है, तो उसके लिए शी, हर, हरसेल्फ का प्रयोग होगा। ये हमारा एक कॉमन और यूनिवर्सल फैक्ट होता है जेंडर के संबंध में। तो पहले तो पता होना चाहिए कि लैड, लैड का जो है फेमिनिन होता है लैस, लैड का मतलब लड़का, लैस। तो ये थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है, आपने लैड तो सुना होगा, लैस बहुत कम सुना होगा। इनफैक्ट इसे ग्रामर में ही हम पढ़ते हैं, स्पोकन में हम इसको नहीं सुनते कि हम किसी को कहें कि
लेस, यानी कि आप किसी लड़की को लेस बोले ऐसा आपने अभी तक आई डोंट थिंक सो कि सुना है। लवर, ये काफ़ी है दोस्तों, काफ़ी लोग सोचते हैं कि लवर वर्ड जो होता है ये कॉमन जेंडर का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लवर जो है ये आपका फैमिली मैस्कुलिन है यानी प्रेमी, और बी लव्ड होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, लवर का फीमेल होता है बी लव्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। बैचलर, बैचलर की बात करिए, बैचलर जिसे हम कुंवारा कहते हैं, इसका स्पिनस्टर और मेड दोनों होता है, और एक बैचलर के लिए एक वर्जिन शब्द भी यूज होता है, लेकिन उसका सेंस अलग होता है, वर्जिन आप लोग जानते होंगे, तो वो भी इनफैक्ट इसका होता है बैचलर का, आप वर्जिन भी लिख सकते हैं, और स्पिनस्टर होता है, मेड ही होते हैं। फॉक्स, फॉक्स दोस्तों, फॉक्स ये जो आपका, इसे आप कह सकते हैं कि नर लोमड़ी, और इसका मादा लोमड़ी विक्सन, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और ऐसे फिर यहाँ पे रैम वर्ड है, रैम जिसे आप राम पढ़ सकते हैं, रैम है इस भेड़ा के लिए होता है ये, और ईव होता है ये भेड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्क भी बहुत बार पूछा जाता है, मॉन्क जिसको साधु कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, नन जिसे साध्वी भी कहते हैं, और महंतनी भी आप कह सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको इन सबको आपको याद का काफी बार पूछे जाते हैं ये। आगे देखिए स्टैग जिसे हिरण कहते हैं, हाइंड काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रेक नर बतख को बोलते हैं, डक माता बतख को बोलते हैं, गैंडर ये नर हंस है, गूज मादा हंस है, बक नर खरगोश को कहते हैं, दो मादा खरगोश को कहते हैं, लॉयन का लॉयनेस पता होगा, टाइगर का टाइग्रिस पता होगा, पोएट का पोएटेस पूछे जाते हैं सब, इसलिए मैंने दिया। प्रिंस का फीमेल या फैमिली या प्रिंसेस, होस्ट जिसे मेज़बान कहते हैं, हॉस्टेस एयर हॉस्टेस आपने सुना ही होगा, और ये प्रीस्ट पुजारी प्रीस्टेस ई डबल, मास्टर मिस्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, ये देखिए इसमें स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्प्रेस होता है IMP इम्प्रेस यानी प्रभावित करना, ये EMP तो ध्यान दीजिएगा, ये इम्प्रेस इसका एम्परर का फेमिनिन होता है, और ये IMPR इम्प्रेस प्रभावित करना वो अलग होता है। और बोअर जिसे सुअर कहा गया है, सो ब्राइड ग्रूम पता होगा ब्राइड होता है, विडोवर जिसे हम विधुर कहते हैं, और ये विधवा विडो, नेफ्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, नीस इसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कोल्ट ये जो घोड़े का बछड़ा होता है, फिली हो जाएगा, और अर्ल जिसे हम सामंत कहते हैं, काउंटेस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। विजार्ड जिसे जादूगर कहते हैं, विच जिसे चुड़ैल या जादूगरनी भी हम कहते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं, इन सबको तो लर्न करना ही पड़ेगा आपको। और कुछ यहाँ पे देखिए ड्यूक वर्ड होता है, ये थोड़ा सा लिटरेचर का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसे सामान के आते हैं डचेस, ये इंग्लिश लिटरेचर में अक्सर इसको आपने पढ़ा होगा। बुलक, बुलक जिसका काऊ भी होता है, इसका हाइफा भी होता है, और हार्ट हिरन का रो भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वैन युवा पुरुष या गंवार पुरुष को कहते हैं, निम्फ हो जाएगा, युवती के लिए होता है, ये काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए कुछ ये डिफरेंट टाइप के कुछ फेमिनिन मैस्कुलिन होते हैं, जिनमें एक नाम ऐड है, जैसे बिली गोट का नैनी गोट, ये बकरा और ये बकरी, टॉम कैट बिलाव टैबी कैट, जैक एस जेनी एस, यानी कि ये मेल है ये फीमेल है, कॉक स्पैरो हैन स्पैरो, बुल एलिफेंट काउ एलिफेंट, ही रैट शी रैट, ही मंकी शी मंकी, और ये कुछ जहाँ पे ही लग जाते हैं, ढेर सारे वर्ड आपको इस तरह के मिलेंगे जहाँ पे ही शी, नॉर्मली जो छोटे प्राणी होते हैं उनके लिए जिनका जेंडर एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल होता है, उनके साथ ही और शी लगा करके उन्हें हम बना देते हैं, ही कैमल शी कैमल हो गया, ही रेड शी रेड हो जाएगा, और इस तरह से बहुत सारे वर्ड और आपको मिलेंगे जहाँ पे ही शी से काम चला लिया जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ध्यान दिए, चेयर पर्सन, चेयर मैन का चेयर वूमेन नहीं होगा, ये चेयर पर्सन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ आप ध्यान ये देंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ वैसे मैन का तो वुमेन होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैन वुमेन को ऐड नहीं किया जा रहा है, चेयरमैन ये मेल के लिए होता है और चेयर पर्सन ये फीमेल है, ये पर्सन वर्ड जोड़ा जाता है, चेयर वुमेन नहीं होता, तो ये काफ़ी नोटेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ऐसे एक और वर्ड है स्पोक्समैन और स्पोक्स पर्सन, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा क्योंकि यहाँ पर पर्सन नहीं, बाकी में देखेंगे तो इंग्लिश मैन का इंग्लिश वुमेन होता है, स्टेट्स मैन का स्टेट्स वूमन होता है, ऐसे ढेर सारे और वर्ड होंगे जहाँ पे मैन का वूमन रहेगा, लेकिन ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैन का वूमन ना होकर के मैन का पर्सन है, तो ये दोनों आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि इनको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है।
फिर यहां पे दो वर्ड और याद रखना है, एक है ट्यूटर जिसे हम पर्सनल शिक्षक कहते हैं, ट्यूटर का होता है गवर्नेस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ट्यूटर वर्ड, जो ट्यूटर इनफैक्ट जो हम पर्सनल ट्यूशन देते हैं उसको ट्यूटर कहते हैं, तो उसका फीमेल होता है, फैमिली जेंडर होता है गवर्नेस। और ये एक और इंपॉर्टेंट था ड्रोन, ड्रोन जिसे हम नर मधुमक्खी कहते हैं, इसका बी आप जानते नहीं, बी का मैस्कुलिन जेंडर ड्रोन होता है। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे दिया, इनको आपको लर्न करना होगा। अब लर्न करने के बाद होता क्या है कि इनके सेंटेंस दिए रहेंगे और इनके साथ सेंटेंस में ही और शी का यूज किया रहेगा इनके लिए, तो आपको ध्यान ये देना है कि ये वर्ड आएगा इन सब के लिए, यानी जो इधर है इनके लिए आएगा, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए आएगा, और शी का प्रयोग इन 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 लोगों के लिए होगा, यानी कि जो फीमेल है जिन्हें हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। तो इतनी सारे इंपॉर्टेंट, इनको आप पहले लर्न करिए, ठीक है, इनको याद कर लीजिए, इनको याद कर लेंगे तो इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल्स और ढेर सारे बताऊंगा। ये तो आपको इतना लर्न करना है, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और बाकी जो मैंने नहीं यहाँ पे शामिल किया उनको आप ऑलरेडी जानते हैं, उनको आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतने जो मैंने दिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप लर्न कर लीजिए, इनको लर्न कर लें, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट जेंडर से संबंधी रूल्स बताऊंगा, जैसा कि मैंने नंबर संबंधी बताया था, कौन कौन सा जेंडर का प्रयोग कैसे होगा, किनको न्यूट्रल माना गया है, किनको मैस्कुलिन माना गया है, किनको आपका फेमिनिन माना गया है, उनके लिए क्या क्या रूल्स होंगे, कैसे सेंटेंस बनेंगे, इन सब की विस्तृत चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर आप प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप थोड़ा सा लाइक करने में कंजूसी करेंगे तो फिर यही सब वजह होती है कि हम वीडियो बनाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब लाइक्स आप लोग नहीं देते हैं और शेयर नहीं करते तो फिर ये लगता है कि बेकार में मेहनत की जा रही, कोई मतलब नहीं है, इस वजह से फिर हम लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं, और ये होता है कि कोई मतलब नहीं है, लोगों को जब पसंद ही नहीं आ रहा है, लोग लाइक ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है अपना टाइम देने का और अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। तो आई होप आप लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा तो होता नहीं है, और शेयर करने का कोई पैसा तो कटता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, तो प्लीज आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम और एनर्जी से आपको और बेहतर जानकारी दे पाए, आई होप आप करेंगे। फाइनली वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारा गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।